आज इस वीडियो में जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे बनता है। भगवान जगन्नाथ रोज 56 तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं। लगता है भगवान को दावत बहुत पसंद है। 1000 से ज्यादा बर्तन, 600 रसोइये और सिर्फ पुराने जमाने की लकड़ी जलाने की तकनीक, इनसे बनते हैं भगवान के लिए खास पकवान। वो अद्भुत चूल्हा है जो करीबन 3.5 फुट ऊंचा का चूल्हा है। चूल्हा में एक साथ 9 से 12 मिट्टी बढ़ता है। मिट्टी में हम लोग खाना बनाते हैं जो एक बार यूज होता है, उसके बाद उसको तोड़ा दिया जाता है। ये बात तो साफ है कि यही वो जगह है जहाँ भगवान की दावत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक होने के नाते इस रसोई में 600 रसोइये वो बनाते हैं जिसे महाप्रसाद कहते हैं। पहले से भगवान जगन्नाथ को परोसा जाता है, उनके बाद देवी विमला को, और उसके बाद ही इसे महाप्रसाद माना जाता है। पुरी आने वाले यात्रियों को जिन चीजों में सबसे ज्यादा पुण्य का एहसास होता है उनमें से एक है ये महाप्रसाद। मंदिर आने वाला हर भक्त बिना महाप्रसाद लिए नहीं जाता।